दोस्तों क्रोम ब्राउजर तो हम सभी के फोन में रहता है, पर क्या आप जानते हैं क्रोम ब्राउजर के अंदर कुछ ऐसा ऐसा सेटिंग छुपा हुआ है जिसको अगर आप अपने फोन में अप्लाई कर लेंगे फिर आपके फोन का बैटरी पूरे 3 दिन तक चलेगा। अगर आप क्रोम ब्राउजर के अंदर कुछ सेटिंग को अप्लाई कर लेंगे तो, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको क्रोम ब्राउजर का 5 ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिसको अगर आप अपने फोन के क्रोम ब्राउजर में अप्लाई कर लेंगे फिर आपके फोन का बैटरी पूरे 3 दिन तक चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको क्रोम ब्राउजर का वह 5 सेटिंग बताते हैं। तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, तो चलिए क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर 3 डॉट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं 3 डॉट के बटन पर। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर सेटिंग्स का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहां पर क्लिक करते हैं सेटिंग के बटन पर। फिर आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर ऊपर में सिंक का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहां पर इसे बंद कर देना है, यहां पर सिंक एवरीथिंग का बटन है, इसको आपको बंद कर देना है। अगर आप यहां पर इसे बंद कर देंगे अपने फोन में तो आपके फोन का बैटरी बहुत देर तक चलेगा। उसके बाद आपको यह सबको बंद कर देना है, आपको एक एक कर सबको बंद कर देना है। बस आपको इतना ही करना है, यही था पहला सेटिंग। अगर आप इसे अपने फोन में अप्लाई कर लेंगे तो आपके फोन का बैटरी बहुत देर तक चलेगा, यही था पहला सेटिंग। तो चलिए अब आपको दूसरा सेटिंग बताते हैं। दूसरा सेटिंग करने के लिए आपको यहां से बैक होना है। बैक होने के बाद यहां पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के बटन पर। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर सेव ब्राउजिंग का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहां से इसे ऑन कर देना है। अगर आप यहां पर नो प्रोटेक्शन पर सेट करेंगे तो आपके फोन का बैटरी जल्दी जल्दी खत्म होगा, तो इसलिए आपको यहां पर इनहेंस प्रोटेक्शन पर सेट करना है। बस आपको इतना ही करना है, अगर आप अपने फोन में यहां पर इनहेंस प्रोटेक्शन पर सेट कर लेंगे तो फिर आपके फोन का बैटरी जल्दी नहीं खत्म होगा, बस आपको यहां पर इनहेंस प्रोटेक्शन पर सेट कर लेना है, यही था दूसरा सेटिंग। तो चलिए अब आपको तीसरा सेटिंग बताते हैं। तीसरा सेटिंग करने के लिए आपको यहां से बैक होना है। बैक होने के बाद यहां पर आपको थोड़ा नीचे आना है, थोड़ा नीचे आने के बाद यहां पर नोटिफिकेशन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक कर रहे हैं नोटिफिकेशन के बटन पर। जैसे कि होता क्या है ना कि हम सोकर उठते हैं, उसके बाद हम अपने फोन के नोटिफिकेशन पैनल को ऑन करते हैं यहां पर, तो यहां पर बहुत सारा नोटिफिकेशन आ जाता है, इसीलिए आपके फोन का बैटरी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको यहां पर इसे बंद कर देना है, यहां पर ऑल क्रोम नोटिफिकेशन का बटन है, इसको आपको यहां से बंद कर देना है। बस आपको इतना ही करना है, इसके बाद आपके फोन का बैटरी बहुत देर तक चलेगा, यही था तीसरा सेटिंग। तो चलिए अब आपको चौथा सेटिंग बताते हैं। चौथा सेटिंग करने के लिए आपको यहां से बैक होना है। बैक होने के बाद आपको यहां से पूरा बैक हो जाना है। उसके बाद आपको क्रोम ब्राउजर को थोड़ी देर दबाए रखना है, यहां पर आपको क्रोम ब्राउजर को थोड़ी देर दबाए रखना है। थोड़ी देर दबाए रखने के बाद यहां पर आई बटन आ जाएगा, तो आपको इसी पर क्लिक करना है, आई बटन पर। उसके बाद आपको यहां पर थोड़ा नीचे आना है, थोड़ा नीचे आने के बाद यहां पर बैटरी का बटन मिलेगा, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। और यहां पर आप देख लीजिए बैकग्राउंड रेस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ है App can use battery in background. इसका मतलब यह है कि क्रोम ब्राउजर आपके फोन के बैटरी को बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा। पर अब आपको यहां पर क्लिक कर और यहां पर आपको रेस्ट्रिक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। बस आपको इतना ही करना है, अब क्रोम ब्राउजर आपके फोन के बैटरी को बैकग्राउंड में इस्तेमाल नहीं करेगा, इससे आपके फोन का बैटरी बहुत देर तक चलेगा, यही था चौथा सेटिंग। तो चलिए अब आपको पांचवा सेटिंग बताते हैं। पांचवा सेटिंग करने के लिए आपको यहां से बैक होना है। बैक होने के बाद यहां पर आपको थोड़ा नीचे आना है, थोड़ा नीचे आने के बाद यहां पर इंस्टॉल्ड अननोन एप्स का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके फोन में अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स का बटन ऑन है, इसका मतलब यह है कि क्रोम ब्राउजर से आपके फोन में कोई भी अननोन ऐप डाउनलोड हो जाएगा जो आपके फोन के बैटरी को बहुत ज्यादा खाएगा, क्योंकि वह ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होगा, वह ऐप क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड होगा और वह ऐप में वायरस भी हो सकता है और वह ऐप आपके फोन के बैटरी को बहुत ज्यादा खाएगा, तो इसलिए आपको यहां पर इसे बंद कर देना है। बंद कर देंगे तो अब क्रोम ब्राउजर से कोई भी ऐप आपके फोन में डाउनलोड नहीं होगा। आपको जब भी कोई ऐप को डाउनलोड करना होगा
तो आप जाकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। वहां से आप कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वह ऐप आपके फोन के बैटरी को ज्यादा नहीं खाता है और वह ऐप सेफ भी होता है। तो बस आपको इतना ही करना है, आपको इसे बंद कर देना है, अब आपके फोन का बैटरी जल्दी नहीं खत्म होगा। यही था 5वां सेटिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्रोम ब्राउजर का 5 ऐसा सेटिंग बताया हूं जिसको अगर आप अपने फोन में अप्लाई कर लेंगे फिर आपके फोन का बैटरी पूरे 3 दिन तक चलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट में अपना सवाल या सुझाव हमें बताना ना भूलें। हमारे आने वाले वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर पूरा रिसर्च करने के बाद ही वीडियोज को बनाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।